मेरे चित्त में आनंद की लहरें उत्पन्न होती हैं, जो ऊपर नीचे आगे पीछे सब दूर व्याप्त फैलती है। मैं सांस ले रहा हूँ वो भी आनंद है, छोड़ रहा हूँ वो भी आनंद है। शांति के लिए, आनंद के लिए मुझे कोई यत्न नहीं करना है, स्वतः है। ये सुख स्वरूप आपका सुख मेरा है। हे मेरे दाता, आपकी शांति मेरी है। आपके अनंत उस आनंद के सागर से मुझ में आनंद प्रवाहित हो रहा है। सुख प्रवाहित हो रहा है, शांति प्रवाहित हो रही है। आने दो मेरे नाथ, बारिश से नदियां भरती हैं, नदियों से नाले भरते, नालों से तालाब भरते, अनंत सुख सागर से सारे छोटे मोटे पोखर नदियां नाले सब भरते। हे मेरे रसदाता, मेरे हृदय को भी अपने रस से भर दो ना। ओ माधुर्य दाता, हे प्रीति दाता, जड़ संसार में रहते रहते, जड़ कर्म करते करते बुद्धि बहुत जड़ हो जाती है। बैठो तो मन नहीं लगता, रस नहीं आता, न भक्ति का स्वाद चखा, चखा तो फिर कर्म में उलझ गया। मेरे रासेश्वर, मेरे नटेश्वर, हे परमानंद दाता, हे आनंद दाता, मैं उस तेरे परम सागर का बिंदु हूं, छोटा सा, तुझ में विलीन हुए बिना सागर का पता भी तो नहीं लगता। आप मेरे भीतर आनंद रूप से विराजमान हो, सुख रूप से विराजमान हो, मधुरता से विराजमान हो, प्रीति से विराजमान हो। तो ही तू मेरे दादा, तो ही तू, तेरे कुछ क्षणों की संगति बल, हिम्मत, साहस, शक्ति, शांति, मधुरता, प्रीति देने वाली बनती है। अत्यंत शांति,
मेरे सारे पातक आपके सम्मुख होते ही नष्ट हो गए। मैं निष्पाप, निर्दोष बालकवत आपकी शरण में हूं। हे मेरे गुरु परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं। हम परमात्मा को पसंद है, इसीलिए हम उसकी भक्ति के लिए या आनंद के लिए कुछ देर बैठ पाते हैं। हे मेरे दाता, तूने मेरा चयन किया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सत्संग के द्वार तक लाया, परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। हे आनंद स्वरूप, मेरा हृदय आनंद का स्थान है, मेरा हृदय प्रीति का स्थान है। मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए आनंद स्वरूप से। तभी तक भटकान है जब तक वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तभी तक व्यक्ति 100 जगह पर चंचल होता रहता है। तो हे मेरे प्रीति दाता, तुझ में प्रीति का दान दे, ताकि केवल आज की नहीं, जन्मों की थकान और भटकान सारी मिट जाए, तुझ में विश्रांति प्राप्त हो जाए। सभी का हृदय, लगभग सभी का हृदय चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, खोजता है किसी चीज को। कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए, पर क्या चाहिए आज तक हम समझ नहीं पाए। गुरु बताते, संत बताते, शास्त्र बताते, बेटा तुम्हें जो चाहिए वो स्वयं परमात्मा है, उसी की खोज है। जब उसके थोड़ा भी निकट होते हैं ना, हृदय बड़ा शांत हो जाता है। जैसे अभी हम इसी खोज को संसार के साधनों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं। अद्भुत संयोग है एकादशी, भगवान नारायण का दिन हो,
और शिव पुत्री नर्मदा के तट हो, वैराग्य और भक्ति को देने वाली नर्मदा जी हमारे हृदय में भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो। देखिए आपके भीतर आनंद नाम की वस्तु कहाँ पर ठहरी हुई है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये शांति कहाँ है, किस स्थान में रहती है। हे व्यापक नारायण, हे विश्वदेव नारायण, आप भी नारायण के साथ व्यापक व्यापक और व्यापक, शरीर से बाहर, मन से बाहर, देखो कितना आनंद है उस बंधन से मुक्ति में। आनंद ही आनंद है, मान्यताओं में दुख है, शरीर की अहम और ममता में परेशानी है, इसमें कोई परेशानी।